दोस्तों जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा खुशियां देती है। ऐसा ही एक मोमेंट जो है वो मेरे सामने आया है। मतलब ये जो मोमेंट है ना भाई, ये दूसरे लोगों को खुशी देने वाला मोमेंट है, लेकिन भाई इससे मैं भी खुश हूं। और ये जो खुशी का पल है भाई, इसका अनाउंसमेंट 26 जनवरी के दिन में भाई, सरस्वती पूजा के दिन में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की तरफ से हुआ है, जो कि बोडो भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सारी बात, हेमंत विश्व शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है, उन्होंने क्या कहा, मैं इस पर क्या सोचता हूं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, अभी लेटेस्ट सरस्वती पूजा का व्लॉग भी डाला है, तो भाई आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि BTR के लिए बहुत सारे हमारे बोडो भाई जो है वो फाइट कर रहे थे, बहुत सारे नहीं बल्कि सारे बोडो भाई BTR के लिए फाइट कर रहे थे। अब ये BTR जो है वो है क्या, BTR का फुल फॉर्म होता है बोरो टेरिटोरियल रीजन, तो मतलब ऐसा रीजन जो बोडो लोगों का टेरिटरी हो। और देखो भाई मैं इसमें अगर मेरी बात करोगे ना, तो मैं ये सोचता हूं कि जी हां बिल्कुल उनका एक रीजन होना भी चाहिए, क्योंकि वो लार्जेस्ट एथनिक ट्राइब्स है भाई असम के अंदर में, जो ट्राइबल ग्रुप है, तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो बोडोस का है, और वो असम के बहुत बड़े भूभाग में वो फैले हुए हैं, तो उनका भी एक रीजन हो जिसमें उनका ऑटोनोमस काउंसिल हो, ऐसा उनका उनका राइट है ये उनको मिलना। और ये जो है ये चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लेटेस्ट अनाउंस किया है 26 जनवरी के दिन में। सुनिए आप क्या कह रहे हैं वो। सतिया विश्वनाथ बिहाली और गहपुर 80% बेसि बड़ो लोक बस कर 43 कन राज गांव और 17 कन बन गांवक आम BTR सन्निविष्ट कर सिद्धांत आम आज पवित्र दिनते आम घोषणा कर। 74 संख्यक गणराज्य दिवस এই পবিত্র দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাল খবরটো দিলে BTR বাহী। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গহপুৰ সমষ্টিলৈ 80% বড়ো অধ্যক্ষিত 43 ৰাজহ গাঁও আৰু 17 বন গাঁও BTRত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। तो भाई आपने देख ही लिया होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा क्या कह रहे हैं BTR को लेकर के। उनका कहना है कि सोनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी फिर दोबारा से सोनितपुर में शामिल हो गया है, तो ये जो एरिया है इसमें गोहपुर एक जगह है, तो गोहपुर तक का जो रीजन है उसको BTR घोषित कर दिया है भाई। BTR घोषित कर दिया गया है, तो बोडो भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इन रीजन्स में जो बोडो ट्राइब है उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये अनाउंसमेंट किया है। और भाई इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बहुत सारे हमारे जो बोडो लीडर्स हैं वो खुश हो गए, बोडो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जितने लोग हैं वो खुश हो गए, बस कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। और उनका जो है ना कंसर्न वो वहां पर रहने वाले जो नॉन बोडोज हैं उनको लेकर के है। और मेरी तरफ से देखो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो नॉन बोडोज है वो आज के दिन में भी BTR का जो पहले का रीजन हुआ करता था, मतलब कोकराझार चिरांग डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बोडो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर नॉन बोडोस भी रहते हैं, लेकिन वो अच्छे से रह रहे हैं, वो इतना प्रॉब्लम में उनको नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ एक जगह पर कुछ प्रॉब्लम हो, और ऐसे प्रॉब्लम्स तो है ना भाई अगर आप किसी भी जगह में जाओगे तो वहां मिल जाएंगे, बशर्ते ये है कि जो हमारे बोडो भाई हैं वो भी जो नॉन बोडोस BTR में रहते हैं भाई उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ाए, और कोई अगर उनको परेशान करता है तो उन लोगों को वो सबक सिखाने का काम करे। इस तरह से अगर आगे बढ़ा जाए तो भाई कमाल की बात है। और मेरी अगर बात करोगे तो मैं जो हूं मैं खुद BTR में आ गया हूं भाई, अभी बोडो टेरिटरी रीजन के अंदर में मैं भी आ गया हूं, क्योंकि मैं बिहाली में रहता हूं और बिहाली जो एरिया है वो BTR के अंदर आ गया है भाई। तो मैं बहुत ज्यादा देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, चाहे वो कोई दुखी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो
होंगे कि भाई वो मुझे बोलेंगे कि तू क्यों खुश हो रहा है भाई, तेरे को क्या मिल रहा है भाई, तुझे खुश होने की क्या जरूरत है। कोई कोई तो मुझे गाली भी देंगे कि भाई देखो बीटीआर दे दिया, हो सकते हैं जो बोडो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते वो मुझसे नाराज हो जाए कि मैं खुश हो रहा हूं। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं, देखो भाई मैं सच में खुश हूं, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि बीटीआर जो रीजन है ना वो बनना चाहिए था, बीटीआर बनना चाहिए था, क्योंकि बोडो जो लोग हैं, बोडो कम्युनिटी है, वो असम का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, बहुत बड़ा एक लैंड जो एरिया है वो उसमें रहते हैं। और मैंने देखा है कि जो बोडोज है भाई, उनके अंदर जो पॉवर्टी का रेशियो है ना, गरीबी का रेशियो वो बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है उनके घर टूटे फूटे घरों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और इस तरीके का एक रीजन बनने के बाद मेरे हिसाब से उनका उनके एरिए का डेवलपमेंट जरूर होगा भाई। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और साथ साथ सारे बोडो भाइयों को कांग्रेचुलेशन। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन अखिल गोगोई की आप बात करोगे तो उनके कुछ कंसर्न्स है जो कि वो बता रहे हैं, आप सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। मैपखनक तेलके बारंबार आघात हानिबो खुजिसे, अहोमर जनगणक डिवाइड एंड रूल पॉलिसीरे तेलके हाखन करিব খুজিছে, আৰু তাতকে আন একুয়ে তেলকে কৰিব খোজা নাই, না বড়ু জনগণ তেলকে কল্যাণ সাধন কৰিব খুজিছে, নাই সেই অঞ্চলবিলাকত বসবাস কৰা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ তেলকে কল্যাণ সাধন কৰিব খুজিছে। অখিল গগৈ জি কো ইস মামলে মে খুশ হোনা চাহিয়ে কি হামারা জো আসাম হে, আসাম কে এক লার্জেস্ট এথনিক গ্রুপ জো হে, লার্জেস্ট ট্রাইবাল গ্রুপ জো হে বোড়োজ, উনকা জো রিজন হে উসকা এক্সপ্যানশন হুয়া হে, অর জাহাঁ পর উনকা পপুলেশন থা উস এরিয়া কো উস রিজন কো বিটি आर में शामिल कर दिया गया भाई। तो बहुत खुशी की बात है। जितने भी मेरे बोडो भाई हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, सभी को ये कहना चाहता हूं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो बीटीआर के लिए जो फाइट था वो फाइट फुलफिल हो गया और आप सभी को बीटीआर मिल गया भाई। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो बीटीआर रीजन के बारे में, बीटीआर के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।